जो दिखता है वही बिकता है और उन्हीं चीजों को हम सच मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी भी चीज के पीछे जाकर ये जानने की कोशिश करें कि ये सच है या झूठ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास इतना पुराना है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, इसलिए किन किन चीजों को कितने तरीके से तोड़ा गया, मरोड़ा गया और आपको मैनिपुलेट करके दिखाया गया, इसके बारे में हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इतिहास में जुड़ी किन गलत चीजों को आज हम सही मान रहे हैं और किन सही चीजों को गलत मान रहे हैं, इसका भी हमें जरा सा भी आइडिया नहीं है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़ी यादें जरूर हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, उनसे जुड़ी जितनी भी यादें हैं, उनका चेहरा, सब कुछ आने वाले समय में इस देश की राजनीति और बॉलीवुड के लोग बदल कर रख देंगे। यानी उनका नाम तो रहेगा, लेकिन उस नाम के पीछे जो चेहरा है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। जिस मिल्खा सिंह जी को आप आज जानते हैं, शायद आने वाली पीढ़ियां उन्हें ना जान पाए, आने वाली पीढ़ियां इस बात का अंदाजा भी ना लगा पाए कि ये असली वाले मिल्खा सिंह जी हैं या नकली वाले मिल्खा सिंह जी हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो असली वाले मिल्खा सिंह जी को मिल्खा सिंह नहीं मानते हैं, बल्कि मिल्खा सिंह जी की बायोपिक में काम कर चुके फरहान अख्तर को ही असली मिल्खा सिंह मानते हैं। और ये बात सिर्फ आम जनता की नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, राजनीति में बैठे लोग फरहान अख्तर को असली मिल्खा सिंह मानते हैं। एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे अनिशा दत्ता नाम की एक लड़की ने शेयर किया है। तस्वीर नोएडा की है जहां पर सड़क किनारे और बगीचे में मिल्खा सिंह जी की तस्वीर लगी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मिल्खा सिंह जी का नाम तो वहां पर है, लेकिन उनकी तस्वीर की जगह पर फरहान अख्तर की तस्वीर लगी है, मिल्खा सिंह वाली। अब सोचिए, ये जो पोस्टर लगा है, इसे डिजाइन किया गया, ये कितने लोगों से गुजरा होगा। जिस बंदे ने कंप्यूटर पर मिल्खा सिंह जी की तस्वीर को सर्च किया होगा, जिस बंदे ने उस तस्वीर को लेकर वो पोस्टर डिजाइन किया होगा, जिसने उस तस्वीर को, उस पोस्टर को अप्रूवल दिया होगा, वो प्रिंटिंग प्रेस वाला जहां पर वो पोस्टर प्रिंट हुआ होगा, और वो इंसान जिसने उस पोस्टर को जगह जगह पर जाकर लगाया होगा। लेकिन इसमें से किसी भी इंसान ने ये जानने की कोशिश नहीं की या इस गलती से पर्दा उठाने की कोशिश नहीं की कि ये असली मिल्खा सिंह नहीं है, ये फरहान अख्तर है जिसने मिल्खा सिंह जी की बायोपिक में काम किया था। इसलिए जो आप देखते हैं वही सीखते हैं, और बॉलीवुड की फिल्मों में हम जो देखते हैं उसी को सच मान बैठते हैं। हालांकि यहाँ पर बॉलीवुड वालों की गलती नहीं है, बॉलीवुड वालों का काम था मिल्खा सिंह जी पर फिल्में बनाना, पैसे कमाना, उनका काम खत्म हो जाता है। गलती उस इंसान की है जिसने उस पोस्टर को लगाने की अनुमति दी, और ऐसा पहली बार नहीं है। वेस्ट बंगाल की स्कूल की पुस्तक में मिल्खा सिंह जी को लेकर पूरा चैप्टर है, लेकिन आप यकीन मानिए उस पुस्तक में असली वाले मिल्खा सिंह जी की तस्वीर की जगह पर फरहान अख्तर की तस्वीर लगाई गई है। हालांकि जब फरहान अख्तर की नजरों में ये बात पड़ती है तो वो ट्वीट करके बोलते हैं, बंगाल एजुकेशन मिनिस्ट्री को बोलते हैं कि भाई असली वाले मिल्खा सिंह जी की तस्वीर लगा दो, मैं असली मिल्खा सिंह नहीं हूँ। और देखिए, वेस्ट बंगाल का जो एजुकेशन है वो बार बार ऐसी गलतियां कई मामलों में करता है। भगवान श्री राम को लेकर भी ये बातें एक पूरी बुक में छाप दी थी, स्कूल की पुस्तक में, कि भगवान श्री राम विदेशी आक्रांता थे, वो भारत पर और श्रीलंका पर आक्रमण करने आए थे, उन्हें राक्षस के नाम के तरह दिखाया गया है। देखिए, कुछ गलतियां जाने अनजाने में होती है और कुछ गलतियां जानबूझकर की जाती है, और जो गलतियां जानबूझकर की जाती है उसमें राजनीति बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अब सोच लीजिए, कुछ दिन पहले ही मैंने बात की थी कि सलमान खान ब्लैक टाइगर का किरदार करने वाले हैं, उनकी बायोपिक में काम करने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ब्लैक टाइगर कौन है, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जहां पर मैंने उनके बारे में बात। तो आने वाले समय में लोग सलमान खान को ही असली ब्लैक टाइगर मानेंगे। बॉलीवुड तो कई चीजों को मैनिपुलेट करता ही है, गलत चीजें दिखाता ही है, लेकिन इस देश की जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है ये हमारा आप सोच भी नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए इस देश की सभ्यता, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक हीरोज जो हैं हमारे, उन सभी के इतिहास को तबाह करके रख देगी।